हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहां पे हम बात करेंगे NDTV लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहां पे हम कंपनी का शेयर एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट बताऊंगी ना, आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें डिस्कस करेंगे लाइक कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉजेस, पीए कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पर कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम NDTV लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें, सो ये कंपनी 1988 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के बारे में बात की जाए तो बेसिकली जो कंपनी एंगेज है बिजनेस ऑफ टेलीविजन मीडिया एंड दी करेंटली ऑपरेट लाइक 3 चैनल्स। सो लाइक ये जो NDTV के लाइक आपने बहुत सारे चैनल्स भी अपने टीवी में देखे रहेंगे एंड ये कंपनी के लाइक ऐसे 3 चैनल्स है लाइक जो भी लाइक हैं करके डुअल चैनल करके मतलब है करके NDTV 24X करके चैनल है एंड NDTV इंडिया करके एंड NDTV प्रॉफिट करके, ये 3 चैनल्स है कंपनी के। एंड कंपनी को देखा तो कंपनी है प्रेजेंटली भी एक्सपांड भी कर रही है अपने बिजनेसेस को। सो ये कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटल हमें दिया है 1,141 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक भी देखिए तो 40.3 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड देख दिया है 44.22%। कंपनी का डेप्ट देखें तो कंपनी के पास डेप्ट है 21.8 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट देखा तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानी जाए। कंपनी ने अपना ईयर ऑन बेसिस पे अपना डेप्ट जो रिड्यूस कर रही है। एंड कंपनी का इंडस्ट्री पी देखें तो दिया 13.5। तो यहाँ पे देखें स्टॉक पी ज़्यादा दिया है कंपेयर लाइक इंडस्ट्री पी। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 177 रुपीज़ अभी करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है। बुक वैल्यू देखें दिया 36.1। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे दिया 41.5%। सो देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें सो लाइक कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है ईयर ऑन बेसिस पे भी है, क्वार्टरली वाइज भी। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है, 72.1 करोड़ का मेरे वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। एंड कंपनी का हाई देखे तो 276 है, लो देखे 68.5। सो बेसिकली भी इसका हाई 276 तक गया है। सो लाइक अगर आपको टारगेट रखना है 177 पे जाता है तो ये 180 एंड 185 तक जा सकता है। सो बेसिकली आपका टारगेट इतना ही रहेगा। डिविडेंड देखे तो डिविडेंड को नहीं प्रोवाइड करी कंपनी। फेस वैल्यू देखे तो 4 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो प्रमोटिंग वहाँ पर होल्डिंग दिया है 61.4% का प्रमोटिंग होल्डिंग है। सो कंपनी के डेटा के बेसिस पर तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी की भी और भी चीज़ें हम देख लेते हैं लाइक प्रोज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ने अपना डेब्ट जो रिड्यूस किया है एंड ऑलमोस्ट जो कंपनी डेब्ट फ्री मारी जाएगी। कंपनी ने लास्ट 5 में कितना प्रॉफिट ग्रोथ किया, 25.23% प्रॉफिट ग्रोथ किया है। देन यहाँ पे अगर हम लास्ट यहाँ पे देखें कंपनी ने लास्ट लाइक 3 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया, 44.36% अच्छा खासा आया है। कंपनी का डेटर्स डे भी यहाँ पे इंप्रूव है कितना 106.78 डेज लेके 67.87 डेज तक। सो ऑलमोस्ट देखें कंपनी के प्रोसेस में बहुत सी अच्छी चीज़ें धीरे कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी देख के लाइक प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रही कंपनी ईयर ऑन बेसिस पे भी। यहाँ पे कॉस्ट की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे लाइक रिपीटेडली अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ करी पर कंपनी ने अब तक डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो भी रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 में कितना कमाया, -4.50% कमाया। एंड टैक्स रेट भी देखे यहाँ पे तो लो दिख रहे, कम दिख रहे हैं यहाँ पे कंपनी के। सो द प्रोज एंड कॉजेस, पीए कंपेरिजन के बारे में बात की जाए NDTV कंपनी के बारे में, इस कंपनी का लाइक अगर यहाँ पे लाइक मार्केट कैपिटल देखे तो यहाँ पे दिया 1,141.20 करोड़ का दिया हुआ है। एंड 5th नंबर पे कंपनी आ रही है लाइक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे तो काफ़ी अच्छे कंपनी के आए हैं। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय भी देखे तो लाइक अच्छा खासा दिया है कंपेयर टू लाइक अदर्स कंपनी। कंपनी का सबसे ज़्यादा है 44.22% का दिया हुआ है। सो लाइक अगर हो सके तो आप भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बाकी की भी कंपेरिजन में अदर कंपनीज हैं जिनके लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी ने प्रॉफिट किया है। सो लाइक उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक जागरण प्रकाशन करके एक है करके कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट भी से बट कंपनी को लाइक डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी का करंट प्राइस भी देखे तो 41.40 दिया है बट कंपनी का पी देखे 6.10 ही दिया हुआ है। सो लाइक ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो। सो ये था पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट हम देख रहे थे क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो यहाँ पे अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, यहाँ पे लास्ट के अगर हम 3 क्वार्टरली के रिजल्ट्स का रेवेन्यू यहाँ पे देखें, सेल्स देखें, तो यहाँ पे कंपनी का जो देखे 91 करोड़ का हुआ, देन 106 एंड 104। सो बेसिकली देखा तो जो भी लास्ट जो क्वार्टरली जो निकल के आया इसमें कंपनी का रेवेन्यू कम आया कितना, 104 करोड़ का आया। लाइक देखा तो कंपनी ने ये लाइक कंपनी का रेवेन्यू कम आया है।
एक्सपेंसेस की बात की, हमने के एक्सपेंसेस भी कम हुए, ओपन परसेंटेज की बात की, हमने का ओपन परसेंटेज भी हमें कम है 28%। वही अगर हम कंपनी अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए लाइक क्वार्टरली वाइज, तो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम है कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर के अंदर 24 करोड़ का हुआ है, देन 28 करोड़ का, देन 12 करोड़ का देखे तो लाइक बैक साइड जाए तो लाइक देखा तो कंपनी लाइक ये कि लाइक कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर कम है, बट कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है नहीं, कंपनी एक लॉस में है। देन अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, ईयर ऑन बेसिस पे देखा जाए सो मार्च 2022 का देखें तो 396 करोड़ का कंपनी ने क्या क्या रेवेन्यू किया है। एक्सपेंसेस देखें 298 का ओपन परसेंटेज 25%। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है ये में कितना 18 करोड़ का हुआ है। सो बेसिकली देखें अगर आप ईयर ऑन बेस पे अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाइक डेफिनेटली आपको कंपनी में आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। सो हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें 61.45 दिया, एंड यहाँ पे FII शेयर होल्डिंग देखते FII शेयर होल्डिंग दिया 40.62% का दिया है। DII शेयर होल्डिंग देखें DII शेयर हो गया लास्ट में अभी कितना दिया है 0.26% दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते पब्लिक शेयर होल्डिंग 23.35%। सो बेसिकली देखा लाइक पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर जून 2019 से कंपेयर करें सो लाइक पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक 8% कम हो गया है। ओके सो लाइक ये चीज़ आपको देखना जरूरी है। देन नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रेंड। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का लाइक रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी लाइक लगातार अच्छा खासा हो रहा है। तो लाइक आने वाले जो भी ईयर रहेंगे 2023 तो अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाइक कंपनी आपको डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। सो हो सके तो आप वो कंपनी में ये कंपनी आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो NTTV कल का क्लोजिंग प्राइस देखिए तो 177 पे कल का क्लोजिंग किया था इसका, एंड लाइक कल के 0.81% कल के दिन नीचे गया था। एंड कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट मूवमेंट की बारे में बात हो तो कंपनी का लाइक अपसाइड जा रहा है एंड लाइक वापस से डाउन आया, लाइक बट ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में NTTV वापस अप ट्रेंड पकड़ ले एंड कंपनी में हो सकता है आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिकॉज क्वार्टरली वाइज देखें क्वार्टरली वाइज कंपनी ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। अगर आप लाइक शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लाइक मैक्सिमम आपको लाइक 8 से लेकर 7 मंथ तक आपका इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। ओके सो आई थिंक जितने भी डाउट्स कंपनी के रिलेटेड मैंने क्लियर आउट कर दिए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।